हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये जन्माष्टमी वाले दिन का ब्लॉग है। तो मैं लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। तो पहले हम लोगों ने गंगा जल से थोड़ा सा नहलाया मैं और आन्या। आन्या को बड़ा मज़ा आया ये सब करने में, बोल रही थी मम्मा मुझे करने दो। तो बच्चों को ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए ना, इन सब इसलिए भी ये सब पूजा, सारी पूजाओं का महत्व और कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, तो उनसे कराना भी चाहिए। तो पहले गंगा जल से हम लोगों ने नहलाया, फिर उसके बाद जो पंचामृत बनाया था उससे नहलाया लड्डू गोपाल को। और क्योंकि आज उनका बर्थडे है तो न्यू उनकी ड्रेस और सारी चीज़ें उनको पहनाना है, तो पहले उनका अच्छे से स्नान करा के फिर उसके बाद सारी ड्रेसेस वगैरह पहनाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से वो सब कर रही थी, मतलब मेरे साथ साथ, और पूछ भी रही थी मम्मा ये क्यों, तो सब मैं उसको बताती भी जा रही थी कि ऐसे क्यों करते हैं सब पूरा। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा शहद से भी उनका स्नान करवाया, और फिर उसके बाद अगेन फिर से गंगा जल निकाल लिया था हम लोगों ने एक उसमें क्लास में, फिर से गंगा जल से स्नान करा के और फिर उनके वस्त्र पहनाए। तो ये सब वही कर रही है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था और खुश भी बहुत हो रही थी कि मम्मा आज इनका बर्थडे है, आज ये सुबह सुबह से जो है तैयार वैर होके रेडी होके, और देखिए कितने अच्छे से पोंछ के, फिर उसके बाद में मैंने उसे बोला ना टॉवल में खूब अच्छे से पोंछ के फिर हम लोग इनको तैयार करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, जन्माष्टमी के दिन का ये ब्लॉग है। और ये देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गए लड्डू गोपाल। अब चलिए इनको ड्रेस वगैरह पहनाते हैं। तो ड्रेस वो पहना रही थी लेकिन फिर उससे नहीं बन पा रहा था, तो फिर मैंने पहनाया। वो पीछे से पहना रही थी, आगे से पहनाना होता है। अच्छा हाँ, मेरे लड्डू गोपाल बहुत छोटे से, ड्रेस थोड़ी बड़ी आ गई, 0 नंबर के, और ड्रेस थोड़ी सी बड़ी आ गई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं पहना देती हूँ उनको और तुम रहने दो। फिर मैंने पहना के और पिन वगैरह पीछे से लगा दी तो सही हो गया फिर उससे। तो अच्छा लगता है ये सब करने में, बच्चों को भी बताना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए काफ़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई, पिछली बार मैं लाई थी 0 नंबर बता के, इस बार थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो ड्रेस तो बहुत ढेर सारी हैं, फिर उसके बाद में चेंज कर दूँगी 1-2 दिन के बाद। अभी तो फ़िलहाल आज तो न्यू पहनानी थी तो इस वजह से आज तो न्यू ही पहनेंगे ये। तो चलिए इनको तैयार कर लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हेयर और मुकुट हम लोगों ने लगा दिया और माला भूल गए थे, तो फिर से माला पहनाने के लिए फिर से सब निकालना पड़ा। और हाँ, पैर के पायल और हाथ के कंगन ये सब भी थे, ये सब पहनाया है। देखिए पैर के पायल हैं तो ये पहना रही हूँ, उसके बाद फिर हाथ में कंगन पहनाया और बड़ी सुंदर सी ये पायल थी, घुंघरू लगे हुए थे इसमें। और फिर उसके बाद हाथ का जो कंगन है वो पहनाया और फिर से मुकुट और ये सब निकाल के माला जो भूल गए थे माला हम लोगों ने पहनाई। तो कुछ इस तरीके से पूरा तैयार किया लड्डू गोपाल को। तो चलिए पूरा तैयार करके तब आपको दिखाती हूँ। और फिर सब सारी चीज़ें पहना के फिर झूले में अच्छे से सब जो गद्दी वगैरह लाए थे ना वो भी सब डाल के और इनको झूले पे बैठा दिया लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद फिर हम लोगों ने करी पूजा की तैयारी। देखिए आने को बड़ी मज़ा आ रही थी झुलाने में, कहती मम्मा बस एक बार झुला लूँ। तो फिर उसके बाद आरती पूजा और तिलक चंदन वगैरह लगाया, टीका लगाया, ये सब करके ये देखिए चंदन का टीका लगा के उनकी पूजा हम लोगों ने स्टार्ट करी लड्डू गोपाल जी की। तो चलिए टीका एका लगा के पूजा अपनी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने आने से मैंने बोला ना बहुत अच्छे से पकड़ के हेयर तब लगाना, वरना फिर पूरा निकल जाएगा ना, तो फिर से सब लगाना पड़ेगा। और ये इनकी बांसुरी, ये भी इन माले में और ड्रेस में फंसा दी थी वरना ये गिर जा रही थी बार बार। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा था देख के। और ये झूला मैंने पिछले साल ख़रीदा था, तो झूला तो एकदम न्यू है अभी, उसको मैंने फिर पैक करके रख दिया था तो वैसे ही है बिल्कुल। तो ये हमारे लड्डू गोपाल पूरा सज के तैयार हो गए और बस आन्या एक्साइटेड हैं झूला झुलाने के लिए। मैं बोल रही हूँ सब पूजा हो जाए उसके बाद झुलाना, लेकिन उनसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था तो झुला रही थी, बहुत मज़ा आ रही थी उसको। बच्चों को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है।
तो चलिए मैं अच्छे से पूजा वूजा करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, और म्यूज़िक डाल दूँगी वहाँ पे, वॉइस ओवर नहीं करूँगी। तो ये हस्बैंड भी मेरे आए थे ना, फिर इन्होंने भी पूजा करी, ये नीचे थे अपना काम कर रहे थे, तो बाद में इनको भी हम लोगों ने बुला लिया था, तो इन्होंने भी टीका विका लगाया और पूजा करी लड्डू गोपाल जी की, और फिर झूला भी झुलाया था, भूल गए थे, फिर दोबारा से आए तब फिर झूला झुलाए। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा आरती वगैरह करके और अपनी पूजा को समाप्त किया। तो चलिए अब लगा देते हैं म्यूज़िक और आप पूजा एंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग दोनों लोग आरती कर रहे हैं, ये भी आए थे, ये भी पूजा वूजा करके फिर चले गए थे, क्योंकि नीचे इनका मीटिंग वगैरह इनकी चल रही थी। तो मैंने आरती की, अन्य ने आरती की, उसके बाद फिर हम लोगों की पूजा ये समाप्त हो गई। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, छोटा सा मैंने वीडियो डाला पूजा का। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, वो मेरी मम्मी के घर का वीडियो है, वहाँ की भी मैं पूजा आपको दिखाऊंगी, और राधा कृष्ण बने थे आन्या और आश्वी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो कल ही वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा लगा मंदिर का डेकोरेशन ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।